बंजार में हुए बस हादसे के बाद सरकार ने बसों में ओवरलोडिंग बंद कर दी है, जिसके चलते लोगों और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र की पंचायत बड़वाहन के लोग के अलावा कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों ने पंचायत प्रधान जितेंद्र ठाकुर के अगुवाई में अतिरिक्त उपायुक्त मंडी आशुतोष गर्ग को एक ज्ञापन सौंपा और कुनू सरोज भड़वाहन कुफरी रोड पर बस चलाने की मांग की है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र की पंचायत भटवाहन के लोग और कॉलेज पढ़ने वाली छात्राएं और उनके अभिभावक पंचायत प्रतिनिधि जितेंद्र ठाकुर की अगुवाई में अतिरिक्त जिला उपायुक्त आशुतोष गर्ग से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि सरकार कुन्नू सरोंज भटवाहन कुफरी रूट पर बस चलाए। उन्होंने कहा कि बंजार में हुए बस हादसे के बाद सरकार ने बसों में ओवरलोडिंग बंद कर दी है, जिसके चलते लोगों को और कॉलेज जाने वाले छात्रों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भटवाहन पंचायत के प्रधान जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि वर्तमान समय में एक बस जोगिंदर नगर से कुफरी बटहार रूट पर चलती है। इस बस में सवारियां ज्यादा होने के कारण हमेशा ओवरलोडिंग रहती है, जिस कारण बस चालक बस स्टॉप पर नहीं रोक रहे हैं, जिससे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सभी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इस रूट पर एक और बस की व्यवस्था की जाए। आज अपनी स्थानीय जनता के साथ और कॉलेज के बच्चों के साथ बस की समस्या को लेकर के जिला मंडी अतिरिक्त उपायुक्त महोदय जी के पास आया था। हिमाचल सरकार द्वारा जो बस में ओवरलोडिंग का जो निर्णय लिया गया है, मैं सबसे पहले हिमाचल सरकार का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह की पहल जो है हिमाचल सरकार ने की है। लेकिन इसके साथ साथ जो गांव में जो सिंगल रूट बस जाती है वहां पर ओवरलोडिंग की जो समस्या है वो बढ़ चुकी है। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कॉलेज के बच्चों को, स्थानीय जनता को देरी से पहुंचना पड़ रहा है। बस के ड्राइवर बस भर जाने के बाद जो है किसी भी सवारी को उठाते नहीं है, जिस कारण कि आज हमारे कॉलेज की बच्चियाँ 7 से 10 किलोमीटर जंगल के रास्ते से पैदल चलकर अपने कॉलेज पहुंचती है और शाम को कॉलेज से वापस आती है। इस समस्या के से बच्चों के जो अभिभावक हैं वो पूरा दिन चिंता के विषय में डूबे रहते हैं, वो चिंता से सताए रहते हैं कि हमारी बच्चियां जो है जो कॉलेज हम लोगों ने भेजी है क्या वो सही सलामत शाम को घर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। मैं अतिरिक्त महोदय जी से और हिमाचल सरकार से ये मांग करता हूँ, स्थानीय जनता की तरफ से, कॉलेज के बच्चों की तरफ से, स्कूल के छात्राओं की तरफ से, कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करके मंडी से कुन्नू, द्वापा, सरोंज, भड़वान, लोढ़ा, कुफरी बस रूट जो है लगाएं, ताकि बच्चों की जो समस्या आज हमारे सामने है इस समस्या से निजात पाया जा सके और परिवारों की जो चिंता है उस चिंता से परिवारों को मुक्त किया जा सके। मैं आज अतिरिक्त मोदी जी से जब मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है बस सेवाएं जो है शुरू कर दी जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं अतिरिक्त मोदी जी का भी। वहीं द्रंग विधानसभा क्षेत्र के नारला कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने कहा कि हर रोज उन्हें 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि बस में ओवरलोडिंग बंद होने के कारण चालक बस नहीं खड़ी कर रहे हैं, जिस कारण पैदल चलकर जंगल के रास्ते आना पड़ता है और हमेशा खतरा बना रहता है। वहीं छात्रा शिवानी ने बताया कि ओवरलोडिंग बंद होने के कारण कॉलेज समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं और उनकी कक्षाएं भी छूट रही हैं, जिससे पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर जंगल से रास्ते होते हुए कॉलेज पहुंचना पड़ रहा है और वापसी उसी रास्ते से शाम के समय होती है, जिससे डर बना रहता है कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सुबह 8 बजे कुफरी से नारला कॉलेज होकर जोगिंद्रनगर के लिए बस चलाई जाए और शाम के समय भी जोगिंद्रनगर से ठीक 4 बजे नारला कॉलेज से बस कुफरी के लिए चलाई जाए। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो जनता चक्का जाम तक करेगी। हम सुबह 7:30 बजे के टाइम कॉलेज जाते हैं, बट कई बार बस नहीं लेके जाते हैं क्योंकि ओवरलोडिंग बंद हो चुकी है। इसकी वजह से हमें कई बार 7 से 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है और रास्ते में बहुत ज़्यादा जंगल पड़ता है और बहुत ज़्यादा सुनसान भी है, जिससे हमें कई बार डर लगने लगता है कि कहीं कोई हादसा वगैरह ना हो जाए। जब हम कॉलेज पहुँचते हैं तो कई बार
क्लासेस 10 बजे के आसपास होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस मिस भी हो जाती हैं। तो क्लासेस मिस होने की वजह से जो हम पूरी तरह से अपनी क्लासेस नहीं लगा पाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बसेस हमें सुबह 8 बजे के करीब आएँ, और शाम को जैसे कई बार 4 बजे के आसपास भी क्लासेस ख़त्म होती हैं, तो उस टाइम भी हमें कॉलेज से लेने आएँ। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे रूट पे बस लगा दी जाए, नहीं तो हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर चक्का जाम कर देंगे और कोई भी बसेस जाने नहीं देंगे। सुबह 7:30 बजे अपने गांव से चलते हैं, पर बस में ओवरलोडिंग की वजह से कोई भी ड्राइवर वहां पर बस नहीं रोकता है, जिस कारण हमें 7 से 10 किलोमीटर तक अपने कॉलेज तक पैदल जाना पड़ता है। बीच में रास्ता बिल्कुल सुनसान है, जहां पर कोई भी गांव नहीं पड़ता है, जिस कारण हमें बहुत खतरा महसूस होता है। फिर हम कॉलेज 10 बजे पहुँचते हैं, जिससे कई बार हमारी क्लासेस भी मिस हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमें सुबह 7:45 पर बस लेने आए और छुट्टी के टाइम ठीक 3:45 पर बस वापस लेने भी आए कॉलेज, और वो हमें टाइम पर घर छोड़ें। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।